अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जली जलीसेस किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग दाल और ओट्स का डोसा, साथ में हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। हमने सारा सामान तैयार करके आप देख सकते हैं, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाते जाएंगे साथ में हम आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर एक मिक्सर का जार लेंगे, इसमें हम एक कप भीगा हुआ दाल डालेंगे, साबुत मूंग दाल, इसका हमने पानी निकाल दिया था। यहाँ पर हम चार हरी मिर्चें डालेंगे, दो इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और यहाँ पर हम पानी डाल देंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी पानी की दाल को पीसने के लिए। दाल को हम पीस लेंगे। ये देखिए दाल पीसकर हमारी तैयार हो गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम एक जार और ले लेंगे, इसमें हम ओट्स डालेंगे। ये हमने एक कप से कम लिया है, आधा कप से ज़्यादा लिया है। इसका हम आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए ओट्स हमने पीस लिए हैं, इन्हें भी हम दाल में मिक्स करेंगे। आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल देंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें। फिर से मिला देंगे अच्छी तरीके से। ओट्स और दाल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए घोल हमारा तैयार हो गया, इसे हम साइड में रख देंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे हम। यहाँ पर अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन रख दिया है। यहाँ पर हम चार लाल मिर्चें डालेंगे साबुत। आधा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच चना दाल डालेंगे, आधा चम्मच उड़द दाल डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अपने मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो गए। अब यहाँ पर आधा कप कच्चा नारियल डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ। पंद्रह से बीस सेकंड के लिए सेक लेंगे। अब यहाँ पर हमने चार हरी मिर्चें लिए, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, चार से पांच करी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी मिला देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देंगे, इसे हम ठंडा होकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने ठंडा करके पीस लिया था थोड़ा पानी डालकर। यहाँ पर हम कढ़ाई रख देंगे, चार से पाँच टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब अपना पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे। अपने मसाले को चलाते हुए हमें भूनना है, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए जार में हमें थोड़ा मसाला लगा हुआ था, थोड़ा हमने पानी डाल दिया, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पर हम तीन टमाटर की प्यूरी डालेंगे,
अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। अपनी चटनी को हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा कलर के लिए। अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच इमली का पल्प लिया, इसे भी डालेंगे। 1 चम्मच हमने गुड़ लिया, इसे भी डाल देंगे। अपनी चटनी को 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने तवा रख दिया है गैस पर। बैटर में थोड़ा सा पानी और डाल दिया, हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे हम एक टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे। आप कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। गैस को हम हल्का रखेंगे। यहाँ पर हम पानी के छींटे मार देंगे ताकि तवा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब चम्मच की मदद से अपने घोल को डालेंगे तवे पर डोसा बनाने के लिए। ये देखिए 1 चम्मच हमने घोल लिया है। इस तरीके चम्मच की मदद से इस तरीके से घुमाते हुए फैला देंगे। ये देखिए डोसा हमने फैला दिया है। साइडों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। अपने डोसों को हम सिकने देते हैं। गैस को हम तेज कर देंगे। ये देखिए डोसा हमारा सिकने लगा है। अब अपने डोसे को हम तवे पर हटा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा डोसा बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, साफ कर लेंगे। फिर से अपना घोल डाल देंगे चम्मच की मदद से, इसी तरीके से फैला देंगे। इसे भी इसी तरीके से सेक लेंगे थोड़ा सा तेल लगा के साइडों में। ये देखिए ये वाला डोसा भी हमारा सिक गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हेल्दी डोसा हमने सर्व कर दिया है। अगर हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।